सुप्रभात हिमाचल, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमस्खलन की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत, एक लापता, तलाश जारी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हिमस्खलन का सिलसिला जारी है। पिछले कल शाम करीब 4 बजे लाहौल उपमंडल के सीमा क्षेत्र छीका के पास हिमस्खलन की चपेट में आने से बीआरओ के 3 मजदूर दब गए। 2 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीसरा भी लापता है। वहीं यह हादसा उस समय हुआ जब बीआरओ की मशीनरी व मजदूर दारचा शिंकुला सड़क को बहाल कर रहे थे। दूसरी ओर अचानक पहाड़ी से हिमस्खलन होने से यह मजदूर चपेट में आ गए। 3 मजदूर बीआरओ के हैं। घटना में बीआरओ का स्नोकटर भी चपेट में आया है। जिला प्रशासन को जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो करीब 6 बजे जिला आपदा प्रबंधन पुलिस और रेस्क्यू टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। शून्य तापमान और अंधेरा होने के चलते सिर्फ 2 मजदूरों के शव बरामद हो पाए हैं, जबकि तीसरे का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। धर्मशाला स्टेडियम में इस बार हो सकते हैं आईपीएल के 2 मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में करीब 10 साल बाद फिर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 1 या 2 मैच हो सकते हैं। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। टेस्ट मैच और आईपीएल के लिए पिछले दिनों बीसीसीआई की ब्रॉडकास्टर टीम ने भी धर्मशाला स्टेडियम का मुआयना किया था। उन्होंने टेस्ट मैच सहित आईपीएल मैचों की संभावनाओं के चलते मैदान सहित स्टैंड, पवेलियन और कमेंटेटर रूम का जायजा लिया। वहीं एचपीसीए को भी 10 साल बाद धर्मशाला में आईपीएल के मैच होने की पूरी उम्मीद है। वहीं इसके लिए अंदर खाते तैयारियां चल रही हैं। इस बार आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन भी एचपीसीए के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार धूमल हैं। ऐसे में हिमाचलियों की उम्मीद और भी बढ़ गई है। सरकार दरकिनार अदाणी समूह से पंचकूला में हुई वार्ता, नहीं निकला नतीजा। सीमेंट माल भाड़ा विवाद के 53 दिन बाद सरकार की मध्यस्थता को दरकिनार कर दाड़ला घाट के ट्रक मालिक और अदाणी कंपनी के प्रतिनिधियों ने पिछले कल पंचकूला में वार्ता की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। अदाणी कंपनी के अधिकारियों ने सीमेंट ढुलाई का रेट 1 अंक देने का प्रस्ताव रखा, जिससे ट्रक ऑपरेटर उकड़ गए और बैठक बीच में छोड़कर लौट गए। ट्रक ऑपरेटर 2 अंकों में माल भाड़ा मांग रहे हैं। वहीं ट्रक मालिकों ने कहा कि सीमेंट प्लांट 2 दिन में चालू नहीं किया तो पुराने रेट पर वार्षिक वृद्धि लेंगे, पिछले 3 साल से वृद्धि नहीं हुई है। ट्रक मालिकों का आंदोलन समझौता होने तक जारी रहेगा। बताते हैं कि शनिवार देर रात दाड़ला घाट के ट्रक मालिकों को अदाणी के अधिकारियों ने पंचकूला में वार्ता करने का संदेश दिया था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला होगा। सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ध्यान दे रही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संतुलित किया जाए। सरकार वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने को विशेष तरजीह दे रही है। कहा कि क्षेत्र में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। दूसरी ओर सीएम ने प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। कहा कि सरकार नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो नशे के व्यापार में लगे हैं उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। प्रदेश में परिवार रजिस्टर में पशुओं की एंट्री होगा पंजीकरण, बेसहारा छोड़ने पर भी लगेगी लगाम। ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में अब पालतू पशुओं की एंट्री भी होगी। परिवार रजिस्टर के अपडेशन के लिए तैयार फॉर्मेट में अब पंचायती राज विभाग ने एक और कॉलम ऐड किया है। किस पंचायत में किस व्यक्ति के पास कौन सा दुधारू पालतू पशु है, अब इसकी भी एंट्री होगी। जाहिर है कि प्रदेश में कितने पालतू पशु हैं और वे किस किस प्रजाति के हैं, इसका भी पुख्ता आंकड़ा पता चलेगा। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार की पशुपालकों से दूध खरीद व कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में गोबर खरीद के किए गए वादे के मद्देनजर भी ये कवायद शुरू की गई है। शिक्षा विभाग में आज हजारों भर्तियों पर चर्चा, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुलाई रिव्यू मीटिंग।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिक्षा विभाग की पहली रिव्यू मीटिंग बुलाई है। शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और शिक्षा विभाग की चुनौतियों को हल करना एवं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता है। वहीं शिक्षा विभाग की बैठक में पूर्व सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 380 शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग में प्रस्तावित 10,000 से अधिक भर्तियों को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी कारण पहले वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक नहीं ले पाए थे। अमूल के बाद अब वेरका दूध भी हुआ महंगा, जानिए कंपनी ने कितने बढ़ाए दाम। अमूल कंपनी के बाद वेरका कंपनी ने भी दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसका जनता की जेब पर सीधा असर पड़ा है। शिमला में दूध के बढ़ते दामों का असर जनता पर सीधा हुआ है। अमूल दूध के दाम बढ़ने से शहरवासी वेरका दूध ले रहे थे, लेकिन अब दोनों कंपनियों ने दामों को बढ़ाकर लोगों पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। शहर में एक ही दिन में दुकान से दूध की बिक्री में कटौती हुई है। इसके अलावा जो लोग 1 लीटर दूध खरीद रहे थे, अब वे आधा लीटर दूध लेने को मजबूर हो गए हैं। कई चुनौतियों के बीच अब हिमाचल कांग्रेस नेताओं की फिर दिल्ली दौड़। कई चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अब दिल्ली दौड़ फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 फरवरी को नई दिल्ली जा सकते हैं। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले ही पहुंच गए हैं। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश के मौजूदा हालात पर यह नेता मंथन करेंगे। वहीं कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला से भी नेताओं की मुलाकात संभावित है। इसके अतिरिक्त 10 फरवरी को गोवा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के बेटे की शादी है, हालांकि सीएम वहां भी जा सकते हैं। केंद्रीय कर्मियों को होली से पहले मिलेगा 4% डीए वृद्धि, पहली जनवरी 2023 से होगी लागू। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते यानी डीए को मौजूदा के 38% से 4% अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि दिसंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सुखू सरकार में धड़ाधड़ जारी हो रहे डीओ नोट तबादले सिर्फ खास लोगों के। सुखू सरकार में तबादलों के लिए धड़ाधड़ डीओ नोट जारी हो रहे हैं, लेकिन तबादले खास लोगों के ही किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन होने के बाद ही तबादलों की फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं इसी कारण सचिवालय में हर दिन लोगों की भीड़ लग रही है। लोगों को अपने कार्यों के लिए सचिवालय के 4 से 5 चक्कर लगाने पड़ रही है। मंत्रियों की ओर से लोगों को डीओ नोट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये नोट ब्रांचों से आगे नहीं खिसक रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कार्यालय में लोक निर्माण, पुलिस, जल शक्ति, राजस्व, बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से भी तबादलों के आवेदन आ रहे हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।